खरगोन में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 की CAB को लेकर आज मुस्लिम समुदाय ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। मुस्लिम समाज जनों का कहना है कि यह बिल संविधान के आर्टिकल 14 की मूल भावना के विरुद्ध में बताया जा रहा है। इनके साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी में सिर्फ मुस्लिम को वंचित किया जा रहा है। नागरिक संशोधन विधेयक 2019 बाहर के लोगों को भारत में नागरिकता देने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नागरिकता संशोधन 2019 धर्म के नाम पर नागरिकता प्रदान करता है जो कि संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है। ऐसा कैंपेन ऑफ पीस एंड जस्टिस खरगोन यूनिट के बैनर तले किया गया। आयोजन में मुस्लिम समाज धर्म गुरु और अन्य समाज के लोग भी उपस्थित थे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। जी कहते हैं हाँ कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये इस्लाम के आधार पर बना था, लेकिन आज पूरी दुनिया गवाह है कि वहाँ इस्लामिक कोई चीज नहीं है। वहाँ तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्लाम का सिस्टम नहीं है। वहाँ मुसलमान अगरचे बसते हैं, अगर यही मतलब है अमित शाह जी के नजदीक। हाँ, अमित शाह अगर यही कहते हैं, हमारे मुल्क के मोहतरम सदर अमित शाह जी अगर ये कहते हैं कि वो आधार पर बना था, तो इसका मतलब ये कि वो भी ये मानते हैं कि अगर वो बना था इस्लाम के आधार पर और मुसलमान होने के आधार पर तो वो गलत था। आज वो भी अगर काले कानून के जरिए अगर वही करना चाहते हैं जो पाकिस्तान वालों ने किया, जो अफगानिस्तान वालों ने किया, जो बांग्लादेश वालों ने किया, तो हमारे सदर अमित शाह जी भी ये गलती करेंगे। जो गलतियां उन्होंने की थी वही गलती इसको दोहराएंगे। मोदी सरकार ने जो हमारे मुसलमानों के खिलाफ, किसी अन्य जाति के खिलाफ नहीं, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जो केब वाला कानून 4 तारीख को जो पारित किया है अपनी गवर्नमेंट अपने कैबिनेट के साथ, हम उसका भरपूर तरीके से उसका प्रोटेस्ट करते हैं और हम उसके खिलाफ हैं कि ये आर्टिकल के 14 संविधान के आर्टिकल नंबर 14 के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए कि उसकी वजह से जो समान अधिकार दिया गया है यहाँ के हर भारतीय को, यहाँ के हर नागरिक को, ये संविधान के आर्टिकल 14 के बिल्कुल खिलाफ है। इस वजह से कि जो समान अधिकार है उसमें हमारा मुसलमानों का सिर्फ हनन हो रहा है अधिकार का, इस वजह से हम इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं और हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और जहां तक के हमने आज प्रोटेस्ट किया है जिस कंप्लेन के तहत, वो कंप्लेन पीस ऑफ पीस एंड जस्टिस है और हम विरोध करते हैं और साथ में निवेदन भी करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट से कि मुसलमानों के साथ ऐसा भेदभाव ना किया जाए। और ये जो होने वाला प्रोटेस्ट है अब इसकी वजह से, ये होने वाले प्रोटेस्ट की वजह से जो काला कानून है इसको वापस लिया जाए, इसलिए कि ये हमारे समान अधिकार के बिल्कुल खिलाफ है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम मुसलमान अपने संविधान को मानते हुए और संविधान को सामने रखते हुए हमारे जो जितने भी रहवासीगण हैं और जितनी भी जाति के लोग हैं सभी को हम उनके साथ लेकर के इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे हम इसके रहेगा। और इस पूरे प्रोग्राम में शुरू से आखिर तक हम लोगों को यह ख्याल रखना है कि हम कोई भी ऐसा जरा सा भी काम न करें जिसकी वजह से कोई खलफशार, कोई इंतशार हो, इसलिए कि यह मामला बहुत नाजुक है। और पूरे मुल्क में इस वक्त सिर्फ अहले इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत का मसला नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की हिफाजत का मसला है। इसलिए कि मुल्क में किसी एक पर अगर जुल्म होता है, कोई एक कौम अगर मारी जाती है या उनको तकलीफ पहुंचाई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर उसके पड़ोसियों पर और उनके साथ रहने वालों पर भी होता है और एक एक करके मुख्तलिफ कौमें इसकी जद में आएंगी। ये कानून क्या है इसके मुतालिक मुख्तसर नहीं हुआ था कि इससे एक और मुल्क बनेगा, नहीं, ये मुल्क एक ही था और एक ही रहेगा। हम यही के रहवासी गण हैं, हम यही रहेंगे, हमारा कफन भी हमें यही दिया जाएगा और हमारे जनाजे भी इसी मुल्क से उठेंगे। हम बाहर जाने वालों में से नहीं थे, जो बाहर जाने वालों में से थे वो चले गए, हम इसी मुल्क के रहवासी, हम यही रहेंगे और ये मुल्क हमारा है। हमारे साथ में जितने रहवासी हैं और जितने हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, जितने नागरिक हैं, वो हमारे देश के रहवासी हैं। ये मुल्क उनका भी है, ये मुल्क हमारा भी है। इस मुल्क को आज़ाद करवाने में मुसलमानों ने, बल्कि मुसलमानों ने आगे बढ़कर उलमा ने और ये दाढ़ी टोपी वालों ने 14,000 उलमा की लाशें, हाँ, दिल्ली से लेके मेरठ तक 14,000 उलमा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।